नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। इस कहानी में रमन, उसकी पत्नी सरला, बेटी अक्षरा और बेटा शेखर होते हैं। वो लोग अक्षरा की शादी करने के लिए गांव जाते हैं क्योंकि वहां पर उनके सभी रिलेटिव और कुल की देवी होती हैं। अक्षरा की नानी सुमित्रा अक्षरा से बहुत प्यार करती थी और सरला से बोलती थी कि मेरे जीते जी अक्षरा का लगन कर दो। अक्षरा की शादी को लेकर बहुत एक्साइट थी। जब सुमित्रा को पता चला कि अक्षरा की शादी करने के लिए सरला गांव आ रही है तो सुमित्रा बहुत खुश हुई। पर सुमित्रा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरला, रमन और अक्षरा गांव पर आते हैं। शादी के बहुत से काम थे और तैयारी भी बहुत सी करनी थी। रमन के सारे रिश्तेदार मिलकर शादी की तैयारी में हाथ बटाते हैं। पहले वो लोग अपना पुश्तैनी घर पुताई और दरवाजों पर पेंट करवाते हैं। घर में बहुत से काम थे, अभी शादी की शॉपिंग भी बाकी थी। इधर समय भी बहुत कम था, सरला के रिश्तेदार भी धीरे धीरे आ रहे थे। सरला अपनी माँ सुमित्रा को भी बुलाती है, पर सुमित्रा बोलती है कि अभी मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। पर सरला जानती थी कि माँ अक्षरा की शादी को लेकर बहुत एक्साइट रहती है, इसलिए सरला ने माँ को शादी में आने के लिए कहा और बोली कि हम यहाँ पर डॉक्टर को दिखा देंगे। सुमित्रा शादी में आती है। अक्षरा नानी को देखकर नानी के गले लग जाती है। घर में सब बहुत खुश होते हैं। अब सब लोग मिलकर शादी की शॉपिंग भी पूरी कर लेते हैं। कल अक्षरा की हल्दी होती है। सब काम ठीक से हो रहे थे, हल्दी का कार्यक्रम भी ठीक से हो जाता है। नानी हर फंक्शन में भाग ले रही थी। घर में सब लोग इतने व्यस्त होते हैं कि नानी की तबीयत की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। और इधर नानी को भी परेशानी हो रही थी तो वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब अक्षरा की मेहंदी आती है और अगले दिन बारात को आना था। बारात का भी सारा अरेंजमेंट करना था। रमन तो बरातियों के स्वागत के अरेंजमेंट में लगा हुआ था। इधर सरला मेहंदी के कार्यक्रम में बिजी थी। सुमित्रा की तबीयत कुछ ठीक ना लगने के कारण वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इधर मेहंदी का भी कार्यक्रम ठीक से हो जाता है। घर में सब रिश्तेदार बैठकर बातें करते हैं। तभी सरला को माँ का ध्यान आता है। वो माँ को देखने माँ के कमरे में जाती है। सुमित्रा सोई हुई थी इसलिए वो माँ को नहीं उठाती और रूम का दरवाज़ा हल्का सा बंद कर सबके साथ आकर बैठ जाती है। सरला और रमन की आँखों की नींद उड़ जाती है क्योंकि कल उनका जिगर का टुकड़ा उनसे अलग होने वाला था, यानी कि अक्षरा की शादी थी। सरला, अक्षरा, रमन और शेखर सब लोग बैठकर बातें करते हैं। कभी वो लोग हंसते हैं तो कभी वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी, फिर से सब लोग अपने अपने काम में लगे जाते हैं। दोपहर को सारी रस्में पूरी करके अक्षरा ब्यूटी पार्लर चली जाती है। इधर शाम होती है तो घर में भी सब तैयार होते हैं। इसी बीच में सरला अपनी माँ को एक नई साड़ी देकर बोलती है, माँ इस साड़ी को पहन लेना, नहीं तो मैं अभी आपको पहना देती हूँ। सुमित्रा की तबीयत ठीक ना होने के कारण सुमित्रा सरला से बोलती है, ठीक है मैं पहन लूँगी, तू मेरी चिंता मत कर, घर में और भी काम है, उन्हें तू जाकर निपटा ले। सरला माँ से बोलती है, माँ आपको कोई दिक्कत हो तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सुमित्रा नहीं चाहती थी कि सरला को वो परेशान करे, इसलिए सुमित्रा सरला से बोलती है, मैं ठीक हूँ तू जा। सरला को बहुत से काम थे, वो साड़ी अपनी माँ के पास रख कर कामों में बिजी हो जाती है। अब अक्षरा भी घर पर आती है और अपनी माँ से नानी के लिए पूछती है। सरला बोलती है कि नानी आराम कर रही है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। अक्षरा नानी के पास जाने को बोलती है पर सरला अक्षरा को मना कर देती है कि नानी को परेशान मत करो। इधर बारात आती है, सब लोग बारात का स्वागत करते हैं। अक्षरा बार बार नानी को याद करती है। सरला जाकर माँ को देखती है तो माँ वैसे ही लेटी होती है। सरला माँ से बोलती है, माँ अक्षरा आपको बार बार बुला रही है। तो सुमित्रा बोलती है, मैं शादी में नहीं आ पाऊँगी, जब अक्षरा की विदाई होगी तो वो मुझसे मिल लेगी।
अब सरला वहाँ से जाती है। अक्षरा नानी के लिए सरला से पूछती है तो सरला उसे बोलती है कि माँ से तू बाद में मिल लेना, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब अक्षरा बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर जयमाला करती है। वैसे ही उसकी नज़र नानी पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाती है और नानी से बोलती है, नानी आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। अक्षरा की जयमाला होती है। अक्षरा नानी को अपने पास लेकर आती है और बोलती है कि नानी अब आप मेरे साथ रहना, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। नानी अक्षरा से कुछ नहीं बोलती है और अक्षरा की बातें सुनकर हंसती है। अब पंडित जी वरवधू को शादी के लिए बुलाते हैं। अक्षरा अपनी नानी को भी अपने साथ अपने बगल में बिठाती है। अब अक्षरा की शादी के मंत्र चलते हैं, फेरे भी पूरे होते हैं। अब विदाई का समय आता है। अक्षरा अपने माँ बाप से गले मिलकर बहुत रोती है, भाई और रिश्तेदारों से भी मिलती है और नानी से गले मिलकर बहुत रोती है। पर नानी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अक्षरा को विदा करती है। अक्षरा की विदाई घर से होती है। सरला और सब लोग कुछ देर रोते हैं और उदास होकर बैठते हैं। तभी सरला को माँ सुमित्रा का ध्यान आता है। सरला रमन से बोलती है, माँ अक्षरा के शादी को लेकर इतनी एक्साइट थी पर वो शादी में नहीं आई, और तो और अक्षरा की विदाई में भी नहीं आई और अक्षरा भी नानी से मिले बिना चली गई। कहीं माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? रमन और सरला शेखर जाकर सुमित्रा को देखते हैं तो सुमित्रा की साड़ी वैसे ही पड़ी थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। शेखर जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर सुमित्रा को देखकर बोलता है कि सुमित्रा की मौत हो गई है। सरला ऐसा सुनकर रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है कि रात में तो माँ ठीक थी, तो फिर माँ कब मरी? सरला की बात सुनकर डॉक्टर बोलता है कि ये करीब 8-10 घंटे पहले मर चुकी हैं। ये सुनकर सरला और सब रोने लगते हैं। पर नानी की मरने की खबर अक्षरा को कैसे दे? अगले दिन अक्षरा के पग फेरे थे। अक्षरा घर पर आती है और नानी को आवाज़ देती है। सरला अक्षरा को नानी के बारे में बताती है पर अक्षरा को इस बात का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अक्षरा के शादी की हर रस्म में तो नानी अक्षरा के साथ थी। अक्षरा अपनी माँ सरला से नानी की सारी बातें बताती है तो सरला और घर के सभी लोग आश्चर्य करते हैं। शायद सुमित्रा को अक्षरा से इतना प्यार था और उसकी शादी देखना चाहती थी, इसलिए मर के भी वो साथ थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।